इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आरंभ होइछि प्रदर्शनी करि परिछंती भलो आयोजन होइछि 6 वर्ष धरि ए जो कार्यक्रम आयोजक माने आरंभ करछंती ताकु स्वागत करिवि प्रदर्शनी रे कोविड जो गोटे वर्ष बंद करथिले जहा भी हो क्रेता मानकर पाखा पाखी 400 स्टॉल आसीबा पई बंदोबस्त करा जाइछि आयोजक मानकु एवं एतरे हस्तशिल्प एवं कारुकार्य ठारु आरंभ करी आंतरिक शुभेच्छा विभिन्न प्रकार रो अभिनंदन एथि रहिछि जो विपणी आमे एथि सब पाई परिबा बहुत सुलभ मूल्य रे विभिन्न राज्य रु विभिन्न प्रदेश रु जो माने आसीसंती एठी व्यवसाय करबाको इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 भुवनेश्वर रो बासिंदा मानन पई गोटे भलो बाजार सृष्टि करबो 10 दिन धरी एवं निश्चित भाव रे भलो व्यवसाय हबो एवं जो माने भी आसीसंती एटू भलो अनुभूति नै जिवे एवं जनता मैदान एटार भलो व्यवसाय मध्य होइतै त मु ए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर रो शुभकामना करछु एवं भलो व्यवसाय हो एवं हमरो जहा रही छि जो समस्त एंजॉय करंतु भाई माने आसि छथि बिजनेस करिया पाए सन मध्यम भलो अनुभूति नै भवन सरु जान मु सुजीत गुप्ता गुप्ता इवेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड रो मैनेजिंग डायरेक्टर अछि आज हमें 6th भुवनेश्वर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ओपनिंग करिछु मीडिया मानक बहुत बहुत धन्यवाद आपण मन आसिले कोऑपरेट कले एठी बहुत प्रकार पाखापाखी 30,000 to 40,000 भेराइटर प्रडक्ट आसी जोटा कि आम भुवनेश्वर ना आम ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर करार उद्देश्य लगी जो प्रडक्ट भुवनेश्वर ना से प्रडक्टा आम आनी ये डिस्प्ले करुचु ऑल ओवर इंडिया रु तापर इंटरनेशनल क्लाइंट आमर जो जो मैंने पार्टिसिपेंट अच्छा से भी डाकुचु आज्ञा एक्चुअली आम एटा 6th अच्छे 5 वर्ष है बिजनेस बहुत भल हुए कहीं आम प्रडक्ट बहुत भल भल था और मानने रेट भी बहुत भल था से भुवनेश्वर पर कम्फर्ट हुए लोक किणाकिणी करते पसंद कर अच्छा पाखापाखी ऑल ओवर इंडिया जमी झारखंड बिहार उत्तराखंड आपण जो राजस्थान है छत्तीसगढ़ है वेस्ट बेंगल आसाम पाखापाखि सबु स्टेट रु आसछन्थि माने 20-22टा स्टेट रु आज आम देखलु आसछन्थि 400 स्टॉल करिछु आम पूरा एसी हैंगर करिछु भुवनेश्वर आज जेमिति गरम होउछि आम भुवनेश्वर आसी को अनुरोध करुछु आप आसंतु पूरा एसी रे बुलंतु आ प्रोडक्ट रो देखा दे करंतु किना किना करंतु एटा एक्चुअली आज ये स्टार्ट हैला 20 रु 30 मे जाय एटा आछि मैं पवन कुमार गुप्ता जॉइंट डायरेक्टर हेड ऑफ एमएसएमई डीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हमारा ऑफिस कटक में है सबको पता है 2 साल से कोरोना में कोई काम नहीं हुआ था और अभी जब हम लोग ने ये हमारे मिनिस्ट्री का अप्रूव्ड ये एग्जीबिशन है अब इस एग्जीबिशन में करीबन 400 स्टॉल उम्मीद है कि लगे हैं और इसमें पूरे भारतवर्ष के जगह जगह से आए हुए लोग हैं बाहर से भी इन्होंने आके स्टॉल लगाई है यह स्टॉल का जो मेन उद्देश्य है हमारा कि अपने प्रोडक्ट को बताना लोगों को दिखाना उसको सेल करना और इसके साथ दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्शन करना लोगों से बातचीत करना और ये देखना कि जो हम काम कर रहे हैं जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विसेज हम दे रहे हैं उसको और बेहतर कैसे कर सकें और अल्टीमेटली हम सभी का एम यही है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उनको सपोर्ट करना और यह जो ट्रेड फेयर है यह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें एमएसएमई को सपोर्ट मिलेगा वो अपना प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे और लोगों तक दिखा पाएंगे और बता पाएंगे